क्या सालार के जो मेकर्स हैं उनका ये मूव सही है। तो देखो यार, जैसे हम लोग जानते हैं थिएटर के अंदर इस साल की सबसे बड़ी क्लैश जो है वो इस महीने में होने वाली थी, जब आपके सामने सालार और जवान जो है वो एक साथ आती और किस तरीके से एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती और ऑडियंस को एक कमाल का कंटेंट देखने को मिलता, वो देखने वाली बात थी। लेकिन अब जो र्यूमर निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सालार को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसको लेकर कितनी सच्चाई है, इसकी नई रिलीज डेट क्या होने वाली है और उससे आगे आने वाली मूवीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आज की इस वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाई एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए अपडेट वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रशांत नील डायरेक्टेड मूवी सालार जो है वो 28 सितंबर को आने वाली थी, और मैं आने वाली थी इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स कंफर्म कि उसको आगे पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसका रीजन ऑडियंस चाहे तो ये ले सकती है कि जो मेकर्स हैं वो जवान की क्रेजीनेस को देख के डर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेकर्स की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रहा है कि इसका जो काम है काफी सारा बाकी है और जिस तरीके का रिजल्ट ये लोग देना चाह रहे हैं, अभी वो मूवी जो है वो उस टाइप के लेवल पे नहीं पहुंची है। अच्छा, हमको सिखा दिया है कुछ भी, कुछ भी मतलब जो शॉट्स इन्होंने फाइनलाइज करके देखे हैं वो उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं लग रहा है, तो उनको उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। तो अब अगर बात करें कि इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है, तो मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि इस मूवी को नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास रिलीज किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो होने वाला है दिवाली के आसपास। लग रहा है जलवा है हमारा। अब ये मूव सही है गलत है, अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपकी जो मूवी सेट है दिवाली के टाइम पे, एक था टाइगर, 1 दिसंबर को आने वाली है एनिमल। तो अब इतनी बड़ी मूवीज के बीच में क्या ये अपनी जगह बना पाएगी? आई नो कि सालार की जो एक फैन फॉलोइंग है बहुत तगड़ी है, लेकिन नॉर्थ साइड के ऊपर अपने बिजनेस को इतनी बड़ी मूवीज के बीच में बना पाएगी, ये मेरे दिमाग में डाउट है। तो ऑडियंस को तीनों मूवी देखनी है, चाहे वो टाइगर 3 हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो अब आपका सालार हो। तो अगर वो वहां पे जाते हैं वो साउथ में कमाने वाली है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वो टाइगर 3 के साथ, एनिमल के साथ यहाँ पर नॉर्थ साइड में इतना बिजनेस कर पाएगी, उसको लेके मेरे को थोड़े बहुत डाउट है। एंड आई नो कि KGF का नाम एक साथ जुड़ा जो कि एक बहुत बड़ा बैगेज है, लेकिन फिर भी क्या ये सलमान खान को टक्कर दे पाएंगे, और वो भी उनकी एक ऐसी मूवी जो कि लिटरली इतनी कमाल की फ्रेंचाइजी है जिसके लिए ऑडियंस पागल रहती है, ये एक सोचने वाली बात है। और अगर ये बाय चांस दिवाली के टाइम पे रिलीज होती है तो शायद क्लैश जो है वो चेंज होने वाला है। इट विल बी नॉट जवान वर्सेस सालार एनीमोर, इट विल बी टाइगर 3 वर्सेस सालार, अनदर बैंगर मैन। क्योंकि टाइगर फ्रेंचाइजी का या फिर आप बात करो KGF यूनिवर्स के, दोनों के अपने अपने एक लॉयल फैन बेस है, मजा आएगा भाई। और टाइगर 3 के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही आने वाली है आपकी एनिमल, जो कि अभी OMG 2 वर्सेस दल्लू के क्लैश से जस्ट बाहर निकल के गई है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि इस मूवी को अगर आप डिले कर रहे हो तो इस मूवी को इतना डिले करो कि इसका क्लैश जो है वो इतनी बड़ी मूवी के साथ ना हो, नहीं तो डेफिनेटली जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। चाहे आप कितना भी बोल लो कि KGF का नाम है, लेकिन अगर सामने सलमान खान खड़े होंगे वो भी उनकी कोई ऐसी वैसी मूवी के साथ नहीं, टाइगर 3 फ्रेंचाइजी के साथ, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और देखा जाए तो दिवाली से लेके जनवरी तक कोई भी ऐसा मंथ खाली नहीं है जिसके अंदर सालार की जगह बनती है। दिवाली के टाइम पे आ रही है टाइगर 3, दिसंबर 1 को आ रही है एनिमल, और जनवरी के टाइम पे रिलीज होनी है हनुमान। तीनों के तीनों इतनी बड़ी मूवी, लिटरली इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक अ स्पेस फॉर सालार। और अब तक सालार के मेकर्स ने एज सच कोई भी अपनी रिलीज डेट कंफर्म नहीं करी है। अब देखते हैं किस तरीके से वो लोग इसको प्लान करते हैं और कब तक इसकी जो एक कंफर्म रिलीज डेट है वो निकल के आती है। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी कि जो सालार है वो पोस्टपोन हो गई है, उसकी र्यूमर रेट कुछ होने वाली है जिसमें उसका क्लैश जो है टाइगर 3 या फिर एनिमल से होने वाला है। तो क्या ऑडियंस तैयार है इस क्लैश के लिए, और आप इनमें से किस मूवी को पहले देखना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई
तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।